दोस्तों, मैं गुरमीत बेदी आज सिर्फ और सिर्फ आपका आभार व्यक्त करने, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं, क्योंकि एक साल पहले जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसके साथ 1,00,000 फॉलोअर जुड़ जाएंगे। और आज वो शुभ घड़ी आई है। ये आपका स्नेह है, ये आपका भरोसा है कि आप मेरे साथ इस तरह जुड़ रहे हैं। मैं भारत के इस प्राचीन सनातन विज्ञान के प्रचार और प्रसार में जुटा हूँ, ज्योतिष को एक साइंस साबित करने में जुटा हूं। और मेरी यह कवायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई थी। पिछले महीने 11 अक्टूबर को मेरा फेसबुक पेज जो था वो हैक कर लिया गया, जिसमें 2,50,000 लोगों का एक विशाल परिवार जुड़ा था। उसमें लोगों ने अश्लील कंटेंट जब देखे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका पेज किसी ने हैक कर लिया है, और मुझे मजबूरी में वो पेज बंद करवाना पड़ा था। लेकिन कहते हैं वापसी हमेशा मजबूती के साथ होती है। मेरे YouTube चैनल पर 1,00,000 लोगों का प्यार जो है मेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तीन ग्रहों राहु केतु और शनि की तिकड़ी तुला राशि वालों के चेहरे पर लाएगी मुस्कान। राशि वालों के कई अटके हुए काम अब बनने लगेंगे। तीनों ग्रहों मिलकर तुला राशि वालों की जिंदगी की दशा और दिशा बदल देंगे। अब तुला राशि वालों को मिलेगा बेहद सुकून और बढ़ेगा मान सम्मान। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे Facebook पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। राहु, केतु और शनि, कहने को तो ये तीनों ग्रह ज्योतिष की दुनिया में बहुत क्रूर ग्रह माने जाते हैं और इन तीनों ग्रहों से लोग डरते हैं। लेकिन ये तीनों ग्रह अब तुला राशि वालों के चेहरे पर मुस्कान लेने वाले हैं, खुशियां लाने वाले हैं, उपलब्धियां लेकर आने वाले हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले हैं। 30 अक्टूबर को तुला राशि केतु के शिकंजे से मुक्त हो चुकी है और राहु भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 4 नवंबर से शनि देव के मार्गी होने से तुला राशि वालों पर शनि देव पूरी तरह मेहरबान हो जाएंगे। राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रहों की तिकड़ी तुला राशि पर पूरी तरह मेहरबान रहने वाली है और तुला राशि वालों के कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। तुला राशि वालों के चेहरे से जो रौनक गायब थी, मुस्कान गायब थी, हंसी गायब थी, वो मुस्कान लौट रही है, रौनक भी जल्दी ही लौट रही है। आने वाले समय और आने वाले 18 महीने तुला राशि वालों के लिए बेहद सुकून भरे रहने वाले हैं। तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छी गुडविल बनेगी। अविवाहित लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आएंगे। विवाहित लोगों का जीवन बढ़िया बीतेगा और आपकी आजीविका में, आपके प्रोफेशन में सुधार होगा। कोई नया काम शुरू करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम करेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जीत हासिल होगी। आप अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से और अपनी इच्छा शक्ति से अच्छा नेम एंड फेम बनाने में कामयाब रहेंगे। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा और आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलने के योग बनेंगे। आपका रुतबा बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, कैरियर में आप तरक्की करेंगे और आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो निखर करके सामने आएगी। आपका एनर्जी लेवल, आपका इंथ्यूजियाज्म जो है वो काफ़ी अब बढ़ेगा रियल एस्टेट में, जमीन जायदाद में। और शनि ग्रह से संबंधित जो लोग काम करते हैं, जिस प्रोफेशन में है, उनके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आप सेविंग करने में कामयाब रहेंगे, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, कैरियर में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपके टैलेंट की, आपके हुनर की, आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। व्यापारियों को काम में मुनाफा होगा। परिवार में खुशियों के पल भी आएंगे, मांगलिक कार्य भी होंगे, भाग्य के दरवाजे खुलते जाएंगे। और आप अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, आप अपनी पर्सनैलिटी से, आप अपनी बोलवाणी से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। तुला राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग राहु, केतु और शनि तीनों ग्रह मिलकर के बनाने वाले हैं। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तुला राशि के जो जातक हैं, उनको सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, इनकम के नए सोर्स बनेंगे और आर्थिक स्थिति जो है वो तेजी से मजबूत होने लगेगी। बेरोजगारों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे, बीमारी से मुक्ति भी मिलेगी। राहु, केतु और शनि
आपको शत्रुओं पर विजय प्रदान करेंगे। तुला राशि के जो लोग स्पोर्ट्स सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है, मल्टीमीडिया में है और मेडिकल लाइन में है, एजुकेशन लाइन में है, उनका कैरियर जो है इस दौरान चमकेगा। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोग किसी बड़ी कंपनी में बेहतर पैकेज पर स्विच कर सकते हैं। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो इच्छा पूरी होगी। पार्टनरशिप में काम करने पर जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय खास तौर पर फायदेमंद रहने वाला है। आपकी लव लाइफ जो है वो बेहतर होगी। परिवार में विवाह योग या कोई संतान है तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। नव दंपत्ति जो है उनके उनको कुछ खुशखबरी मिलेगी। घर में किलकारी गूंजने के योग बनेंगे और विदेश जाने के लिए आप लंबे समय से अगर प्रयासरत रहे हैं तो अब आपको सफलता मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, क्योंकि राहु, केतु और शनि जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, तो लिहाजा आपकी आर्थिक स्थिति ये तीनों ग्रह आने वाले दिनों में बेहद मजबूत करने वाले हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।